हेलो बच्चों, आज हम स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टडी की है और स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर वायर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। यहां पे मैंने स्लाइड वायर ब्रिज का डायग्राम ड्रा कर रखा है, एक बार इस डायग्राम को रिपीट करते हैं। देखिए, स्लाइड वायर ब्रिज जो होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। कैसे आप किसी अननोन डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए जो हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो मैंने बोर्ड पे बना रखा है। देखिए, यहां पे ए और बी दो पॉइंट्स होते हैं वुडन स्केल के ऊपर और उनके बीच में एक 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर की वायर स्ट्रेंथ होती है और ये वायर जनरली कॉन्स्टेंट टेन और मेगालिन की बनी होती है। बिकॉज कॉन्स्टेंट टेन और मेगालिन जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और अल्फा की वैल्यू यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है वो स्मॉल होती है, इसलिए हम कॉन्स्टेंट टेन या फिर मेगालिन की वायर का यूज करते हैं। तो यहां हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स होते हैं और उनके बीच में एक 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर की कॉन्स्टेंट है और मेगालिन की वायर स्ट्रेच होती है एक वुडन स्केल के ऊपर और उसी के पैरेलल में 100 सेंटीमीटर का स्केल लगा होता है। इसमें 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक रीडिंग होती है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर हम दो एल से कॉपर स्टिक लगाते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू होता है, उस स्क्रू के साथ एक एल से कॉपर यहां लगी होती है, एक एल से कॉपर स्टिक यहां लगी होती है और एक कॉपर स्टिक हम बीच में फिट करते हैं वुडन स्केल के ऊपर ताकि हमें दो गैप मिल जाए। इसको यहां फिट करने का हमारा जो मेन मोटिव होता है, यहाँ पे दो गैप इंट्रोड्यूस करने का होता है। तो जो पहला गैप होता है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस बॉक्स हम कनेक्ट करते हैं और दूसरे गैप के अंदर एक अननोन रेजिस्टेंस जिसकी हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है, एक ऐसा रेजिस्टेंस हम वहां पे इस गैप के अंदर फिट कर देते हैं और पॉइंट ए से हम एक सेल जोड़ देते हैं जिसकी ईएमएफ ई होती है, एक की लगा देते हैं और एक रियोस्टेट लगा देते हैं ताकि हम करंट को कंट्रोल कर सके। तो ये हमारे साथ पूरा सर्किट डायग्राम होता है, साथ में जो पॉइंट डी होता है वहां से कनेक्शन लेकर के हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं और गैल्वेनोमीटर से जोकी कनेक्ट कर देते हैं। जोकी जो होती है वो एक मेटल की इस तरह की टाइप की होती है जो हम इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, इस वायर के ऊपर हम स्लाइड करते हैं और जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। यहां पे देखो कैसे काम करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल की हम बात करें तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ रखा है और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि जब बैलेंसिंग कंडीशन जो होती है, इन बैलेंसिंग कंडीशन आईजी इक्वल टू जीरो हो जाता है, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, इसका रेशियो इक्वल, ये हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। वो रेजिस्टेंस हमने मान लिया है यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस जिसको हमें कैलकुलेट करना है और एक सर्कुलर करंट सर्किट के अंदर से फ्लो करवाते हैं बाय क्लोजिंग तक की और यहां से जो हमारे पास जो जोकी होती है इसको ए पॉइंट से स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं। जब यहां से इसके ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे
तो जो हमारे पास गैलोनोमीटर होता है, तो गैलोनोमीटर के अंदर दोनों तरफ डिफ्लेक्शन होता है, जीरो बीच में होता है, इधर भी डिफ्लेक्शन इधर भी डिफ्लेक्शन, मिली एम्पियर में इसकी रीडिंग होती है। ठीक है, तो जब हम ए से बी की तरफ मूव करते हैं, ए से बी की तरफ मूव करते हैं, तो ये जो रीडर होती है गैलोनोमीटर की, ये जीरो की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, और इस वायर के ऊपर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे कि जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो पे आ जाए, जहां पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो पे आती है उस लेंथ को हम यहां से मेजर कर लेते हैं। मान लो ये लेंथ कितनी है एल, ये लेंथ मान लो कितनी है एल, तो बाकी की बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी 100 - L, क्योंकि यहां से हमें पता है ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू 100, तो AZ इज इक्वल टू हमने मान लिया L, देन JB कितना हो जाएगा 100 - L, तो यहां से यहां तक की लेंथ L, यहां से यहां तक की लेंथ 100 - L। अब यहां पे देखिए कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो पे आ गया, इसका मतलब यहां से जो करंट फ्लो कर रहा था कितना हो गया, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, और वहां से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। तो यहां पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है वो देखिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, अगर गैल्वेनोमीटर को और बैटरी को आपस में इंटरचेंज कर दें तो क्या बैलेंसिंग पोजीशन पे कोई फर्क पड़ेगा, पूरे सिस्टम को सेम रखा इस रेजिस्टेंस को सेम, इस रेजिस्टेंस को सेम, गैल्वेनोमीटर को बैटरी से चेंज कर दिया और बैटरी को गैल्वेनोमीटर से चेंज कर दिया, तो यहां पे नोट पे हम कह सकते हैं व्हेन बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन नो इफेक्ट ऑन द बैलेंसिंग पोजिशन ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज। तो इसको आपस में इंटरचेंज करने से इसकी पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैलेंसिंग पोजीशन सेम रहेगी, क्योंकि अगर यहां पे हम बैटरी लगा देते हैं और यहां पे हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं तो सर्किट वही रहता है, इसी तरह का सेम सर्किट रहेगा, जैसे हमने इस तरह का एक सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज का हमने बनाया था, ये जी ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर था, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये फोर्थ रेजिस्टेंस, यहां पे ये की, तो यहां पे अगर गैल्वेनोमीटर चेंज कर देते यहां पे बैटरी लगा देते तो सेम सर्किट बनता है, ये दो पॉइंट ए बी सी डी, तो यहां पे इसकी बैलेंसिंग पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके अंदर से जीरो करंट ही फ्लो करेगा, यहां से फिर जीरो करंट हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इससे हम लो रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते और वही हाई रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते। नोट दूसरा पॉइंट क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज इज नॉट used to measuring very high resistance and very low resistance, क्योंकि उसका भी रीजन होता है, रेजिस्टेंस जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो बहुत कम हो जाता है, उसका डिफ्लेक्शन बहुत कम हो जाता है,
दूसरा अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो ये जो कॉपर स्लिप की जो रेजिस्टेंस होती है वो उसके साथ इंक्लूड हो जाती है और एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास नहीं आ पाएगी, क्योंकि अगर लो रेजिस्टेंस है तो इसकी रेजिस्टेंस जो होती है कॉपर स्लिप की रेजिस्टेंस जो होती है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो होती है वो एड हो जाती है, हमारी फाइनल अननोन रेजिस्टेंस आती है और वहां भी फिर कैलकुलेशन में एरर आता है। तो इसकी हेल्प से हम ना तो बहुत हाई रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और ना ही बहुत लो रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज स्लाइड वायर ब्रिज एंड दिस इज मीटर ब्रिज। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इज पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर उसमें से जो रेजिस्टेंस निकाला उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहां से। तो यहां पे पी की वैल्यू रखो, पी कितना, पी हमारे पास रो इंटू एल, क्यू कितना 100 माइनस एल इंटू रो, आर जो हमने यहां से रेजिस्टेंस निकाला था रेजिस्टेंस बॉक्स से, एस हमें फाइंड आउट करना है तो रो से रो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, एस कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय एल। एस को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ और एल को नीचे ले। तो यहां से हम एल की वैल्यू हमें पता होगी, इस स्केल से हम एल की वैल्यू नोट कर सकते हैं, आर की वैल्यू हमने टू आर बाई एस ये रेशियो हमने पढ़ा है, व्हेन आई जी इक्वल टू जीरो, जीरो आई जी जीरो हो गया मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये जो पॉइंट वीडी है और ये जो पॉइंट जे हमने माना है वीजे, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया वीडी इज इक्वल टू वीजे, इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब इतनी लेंथ की इस वायर की जो एल लेंथ है इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल, तो एल लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी होगी तो वो हम निकालते हैं, लेट रो बी द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉन्स्टेंट वाई, हमें पता है कि रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, और हम ये भी बोल सकते हैं और रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, यानी कि एक सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस हमारे पास रो है तो एल सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल रो इंटू एल, इसको हमने किसके बराबर मान लिया है पी के बराबर मान लिया, तो इस पोर्शन की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन जे बी और 100 माइनस एल कितना हो जाएगा 100 माइनस एल मल्टीप्लाई बाय रो, मल्टीप्लाई बाय रो, यहां से देखो ये किसके बराबर क्यू के बराबर मान लीजिए, ये इतना रेजिस्टेंस किसके बराबर पी के बराबर, इतना रेजिस्टेंस किसके बराबर क्यू के बराबर, ये रेजिस्टेंस आर, इस रेजिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। अब देखो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि गैल्वेनोमीटर की नीडल कहां पे है जीरो पे, इसका मतलब यूज टू मेजरिंग वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड वेरी लो रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका भी रीजन होता है, रेजिस्टेंस जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो बहुत कम हो जाता है, उसका डिफ्लेक्शन बहुत कम हो जाता है। दूसरा अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो ये जो कॉपर स्लिप की जो रेजिस्टेंस होती है वो उसके साथ इंक्लूड हो जाती है और एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास नहीं आ पाएगी,
क्योंकि अगर लो रेजिस्टेंस है तो इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो फर्स्ट स्ट्रिंग की रेजिस्टेंस जो होती है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो होती है वो ऐड हो जाती है, हमारी फाइनल अननोन रेजिस्टेंस आती है और वहां भी फिर कैलकुलेशन में एरर आता है। तो इसकी हेल्प से ना तो बहुत हाई रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और ना ही बहुत लो रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज स्लाइड वायर ब्रिज एंड दिस इज मीटर ब्रिज। उसके बाद हमारे